अच्छा नहीं यार बारिश बारिश दसी ने बारिश दसी ने कल शायद परसों लवे और नबील नहीं मेहरबानी बहुत मेहरबानी पानी पियो ना पाओ ते जवाना ने पानी लाए है पंजाब दे रंग दे पंजाब दियां बारा ते नाल कोको कोला नहीं नेक्स्ट कोला चल रही है आम ही मौसम के आखे दा देखने वाले नु ओ मूसा जट के पे करना है कितनिया की खोइया नी वाह जी वाह मूसा कितने दिन दी छुट्टियां हुई ने ठीक हो गया ते अपने देखने वाले के कमें दा बस ते कोई और है कोई और है एक शेर सुना दा ने चलो सुनाओ ना फिर शेर सुनावा ते मूसा मने याद ने कसमा वादे नाल गुजरे साढ़े साले पहले एक दूजे दे हाथ चुमने वत पूछना हाल हवाले रख कद मजबूत ते बारा दी मेरा सोना चढ़ भाई वाले धोखा कड़ से मूसा जट कदी सोची ना तेरे नाले हाय मूसा जट क्या बात है मूसा बहुत ही प्यारी शख्सियत नाल पलागर की प्यारी शख्सियत आफत साकब साहब उन्होंने मुलाकात हो गई है तो आफत साहब के कहना चाहो दे अपने देखने वालों तो कोई मैसेज दो माशाल्लाह आफत साहब इमाम मस्जिद भी ने साड़ी कुली वाली मस्जिद के बहुत अच्छे किरदार के मालिक ने जी आफत साहब जी जनाब असं ये कहना चाहते हैं कि बंदा सब तो पहला अल्लाह रसूल का नाम लैके ठीक है बंदा सुबह उठ के अल्लाह के घर जाके हाजरी दे नमाज पढ़े कुरान पाक की तलावत करे क्योंकि सरकार का फरमान है आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जे नमाज जिहड़ी है मोमन की मिराज है अखां की ठंडक है कि जिहड़ा बंदा सरकार नमाज नहीं पढ़ता साडे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नूं तकलीफ होंदी उस बंदे की वजह तो क्यों कि नमाज पढ़न वास्ते बंदे कोल टाइम को नहीं है अगर बंदे नूं असीं जाके दावत दिंदे आ कहिंदे आ कि नमाज पढ़िया कर चंगा काम करिया कर वो पहला सवाल करदा कि मेरे कपड़े पलीत ने हर घर दे विच कपड़े मौजूद ने फिर उस बंदे दी कल कल करन नाल उस बंदे दी जिंदगी खत्म हो जाती है फिर असीं जाके जनाजा गाह दे विच कुछ लम्हा उस बंदे नूं एहसास हुंदा कि मैं नमाज पढ़ लैंदा कोई कम चंगा कर लैंदा कि सब तो चंगा यही काम है कि अल्लाह ताला दी रहमत दे फरिश्ते 70,000 फरिश्ते फजर दे वक्त आउंदे ने जिस वक्त बंदा बाद जमात जाके नमाज पढ़ता है चंगा काम करता है नकरान बाद दी तलावत करता है इस तो खुश नसीब बंदा है ही कोनी ते सरकार ने फरमाया कि मोमन दी निशानी की है मोमन दी यह निशानी है कि तुसी पांच वक्त जिस बंदे नूं तक लैंदे हो अल्लाह दे घर जांदा है जाके हाजरी दिंदा है समझ लो कि बंदा पक्का ही मोमन माशाल्लाह ठीक है ये मोमन दियां निशानियां ने कि उस बंदे दी पता लग जांदा कि बंदा जिहड़ा पांच टाइम अल्लाह दे घर जाके हाजरी दिंदा पिया कि वह समझो कि बंदा मोमन है वाकई पाक दामन है जिहड़ी चीज़ की तलब करो अल्लाह अग्गे अर्ज़ करो रब दिंदा है बेशक अगर बंदे दी नीयत साफ होवे काम चंगा करदा होवे तो सरकार ने फरमाया मुश्किल जो सर पे आ पड़ी तेरे ही नाम से टली मुश्किल खिशा है नाम तेरा मुश्किल जो सर पे आ पड़ी तेरे ही नाम से टली मुश्किल खिशा है नाम तेरा तेरे ही नाम से टली माशाल्लाह दिल की आंखों से काम लेता हूँ उनके दामन को थाम लेता हूँ दूर होती है मुश्किलें सारी जब मोहम्मद का नाम लेता हूँ सुभान अल्लाह अब सब इको तुसी शेर पढ़ते हुंदे हो कदर नबी दा एक ही जान ने दुनियादार कमीने कदर नबी दा जानन वाले सौंगे विच मदीने आफज होरी ने जी आफज जी होरी एक होर पॉइंट करन लगे साडे नाल शेयर कि जेहड़ा टूर्नामेंट करवांदे ने बंदे अजकल दे ते ओहदे विच किसे बंदे दा नाम रख लैंदे ने मरने वाले दा जी फलाने दे नाम दा मैच हो रहा है ते आफ साहब दा कहना है कि ओह मैच उस मरने वाले दे नाम दा नहीं होना चाहिए क्योंकि ओहदे विच इह गल्लां आ जांदियां ने कि जिस तरह मरने वाले दे नाम दा टूर्नामेंट हो रहा चलो फातिहा हानी पढ़ी ओहदी याद दे अंदर ओह सवाब ते पहुँच गया लेकिन जिहड़ा टाइम ज़ाया हो रहा बंदियां दा ओहदे विच
उस तो अलावा बंदे जिहड़े एक दूसरे गाली गलोच करदे ने, लड़ाई पंडी हो जाती है, वह सारा गुनाह क्योंकि उस दे नां ते उन्हां मैच रखे है। अगर सवाब उस नूं जाणा तां गुनाह भी तो उसे नूं जाणा है ना। जो बुनियाद ही बंदे ने गलत रखी है, एक बंदा बुनियाद ही गलत रखता पे, जो तुसी मिस्त्री को नींह कढ़ाते हो तो मिस्त्री जो नींह बुनियाद ही गलत बन सड़ता है तो वह बुनियाद जी तोड़ तक बंदे की सही जाएगी या गलत जाएगी। क्योंकि कोई भी काम है, किसी भी काम की तुसी बुनियाद रखते हो, अगर बंदा मर गया, दुनिया तो टुर गया, वह क्रिकेट का शौक रखता है बंदा दुनिया उत्ते, ठीक है शौक रखता, तो अपना शौक से दुनिया उत्ते, वो जिस वक्त मर गया दुनिया तो टुर गया तो वो जान वास्ते तुसी वो नाँ का टूर्नामेंट रख छड़दे हो। कोई बंदा कुत्तिया की लड़ाई रख सकता है, साडा पुत्र कुत्तिया की लड़ाई बड़ी शौक न तकता है, या टूर्नामेंट बड़े गौर न खेडता है, ठीक है, कोई भी काम करने वास्ते वो बुनियाद तुसी रखते हो, ठीक है। टूर्नामेंट जो बंदे कराते हैं, नौजवान कराते हैं, जाके तलावत शुरू कराते हैं, उस तो तलावत स्वाब से पहुँच गया, जिस वेले तुसा साले स्वाब करना है तो टूर्नामेंट के होंगे की है, वो बंदे एडिया एडिया गंदिया गाल कटते हैं, लोग किसी का वजू है, किसी के कपड़े पाक ने, किसी के पलीत ने, कोई पता नहीं बंदा किस किस नजरिए उसे बंदा खलोते है, ठीक है। जिस वे एंड करते हो, एंड करके तो जो बंदा जिदे ना का टूर्नामेंट रखे अस, क्या जायज है कि वो ना दिया गाल का स्वाब भेजो दे, ओदे वास्ते फातिहा हानी करके भेजो दे। बिल्कुल बंदे वास्ते जड़ा बंदा मर गया खदा खदा दा वास्ता दे, उस बंदे दे नां दा टूर्नामेंट ना रखो, क्योंकि साले सवाब अल्लाह दा कुरान पढ़ो, सरकार दी जात दे दरूद पढ़ो, उस बंदे नूं जिन्ना चीज़ां दी जरूरत है वह चीज़ां ओदे वास्ते पढ़ के भेजो, ओदे नां दा टूर्नामेंट वाला जिहड़ा उस बंदे दा नां दा नहीं होना चाहीदा। और बिल्कुल अभी तुसीं शो करा दो कि टूर्नामेंट के खिलाफ नहीं गल कर रहे, ना इस्तेमाल कर रहे ना नौजवान नौजवानों के खिलाफ हाँ, क्योंकि इन्हें अपनी दुनिया उत्ते एक अपना शौक रखते हैं। बस अफसा ब्रांडी रिक्वेस्ट इतनी कि जरा बंदा फोत हो चुका है ओदे नाम दा टूर्नामेंट नहीं होना चाहिए, यानी कि ओदा नाम इस्तेमाल ना करो जी हां, क्योंकि ओदा अगर इस्तेमाल करना महफिल करा लो, दुरूद हानी करा लो, और जो कुछ करा सकते हो करा लो, जिस चीज दी उस बंदे नूं जरूरत है उस चीज दा उस बंदे दा ना कराओ। बिल्कुल ठीक है, जिहड़ा बंदा फोत हो गया ओनू उस बंदे नूं साडे सवाब दी जरूरत है, साडे वास्ते ओह साडे अगे अर्ज करदा कि मेरे वास्ते साले सवाब करो, मैनूं दुरूदां दे तोहफे पढ़ के भेजो, कुरान हानी पढ़ के भेजो, कोई भी चंगा काम करके भेजो, लेकिन टूर्नामेंट के ज बुनियाद असी रखने हैं, बंदा साडा फौत हो गया जी फलाने के नाम असं टूर्नामेंट करा रहे हैं जी, फलाना साडा महरूम दुनिया तो टुर गया, वो है एक इस चीज़ का शौक रखता, ठीक है शौक रखता है, लेकिन वो नाँ का यही नहीं होना चाहिए। एक बंदा जिंदा दुनिया उत्ते, एक चौधरी साहब अपनी तरफ करा रहे, करा अपना शौक रखते ने, ये कोई 50,000 दे रहा है, कोई 20,000 दे रहा है, कोई लख दे रहा है, दुनिया उते जड़ा बंदा वो जाने दे अल्लाह ताला दी जात जाने, ठीक है, लेकिन जड़ा बंदा पर्दा फरमा गया वो अल्लाह दे मान च चला गया, ओदे वास्ते तुसी टूर्नामेंट जड़ा ना, चाहे तुहाडा बाप है या भाई है या कोई भी, ओदे विच ना शामिल नहीं तुसा करो। बहुत अच्छी गुफ्तगू कीती है जी लामा साहब ने, जिस तरह के लामा साहब ने इस चीज तो बच जो, बिल्कुल एफओ जा ना जड़ा मरण वाले दा ना टूर्नामेंट विच नहीं इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि इहदे विच इतनी की बेहयाई, इन्नियां गंदियां गालां लोग कढ़दे ने कि काम तो असी चंगे काम तो बुनियाद बंदा रख लैंदा, बिस्मिल्लाह पढ़ के तुसीं शुरू कर दिओ, जे बिस्मिल्लाह पढ़ के बिस्मिल्लाह दा सवाब ते पहुंच गया ते जिहड़ी अगली गुफ्तगू है ओहदा कौन जिम्मेदार होवेगा। बिल्कुल जी लामा साहब ने बहुत ही खूबसूरत तरीके दे नाल गल कीती है कि जिस तरह के असी टूर्नामेंट कराने आ, यानी कि इस गल दा खुलासा यह है कि जदों टूर्नामेंट असी कराने आ, मरने वाले दे नां ते ना कराया जाए, उस दे बदले एक अपने पिंड दा नां रख लो, जिहड़ा करवा रहा अपना नां रख ले, अपने कोई क्लब दा नां रख ले, क्योंकि मरने वाला तो इस दुनिया तो चला गया है, उन्होंने अगर जरूरत आए तो इस वक्त तुहाडे साले सवाब दिए ना, कि तुसी दुनिया के किसी का टाइम जाया करो, अगर तुसी किसी का एक मिनट भी टाइम जाया करते हो ना, उहदा रोज़ एक मैशर तुसा हिसाब देना है उस बंदे का जिहड़ा तुसा मिनट जाया किता है, तो खुद लगा लो अंदाजा कितने हज़ारा बंदे आते हैं, कितने हज़ार बंद की तादाद के आकर मैच देखते हैं, और उन्होंने बंद का टाइम जाया हो रहा है, उसका जवाब किने देना है, उन्हें खुद भी देना है, लेकिन वो मरकज़ किसने बनाया है, उसने भी तो जवाब देना है ना। तो इस वास्ते लामा साहब ने बहुत अच्छा नुकता इस दौर के अंदर नोट किया है, और सानू भी गौर और फिक्र करने की जरूरत है बहुत ज़्यादा।
शुक्रिया जी। जिन्हां दोस्तों नूं अफसाब दी गुफ्तगू पसंद आई होवे, ओह कमेंट बॉक्स तों वी जरूर करियो और ना